जजरे तालाब के गहरीकरण और उसके संधारण के लिए कलेक्टर की अगुवाई में नया प्लान तैयार किया गया है। इसके बावजूद को बचाने के लिए तमाम समाजसेवी और प्रशासनिक टीम इस तालाब को विकसित करने और जल से लबालब रखने के लिए दिशा में पहला कदम बढ़ा चुकी है। तालाब में मिलने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। कलेक्टर भास्कर लक्षकार की विशेष मौजूदगी में हुई इस बैठक में तालाब से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा कर इसे संधारण करने का खाका खींचा गया। लंबे समय तालाब उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कलेक्टर और समाजसेवियों ने आगे बढ़कर इसके वजूद को बचाने की जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। बैठक में इसके गहरीकरण के साथ ही इसका संरक्षण किस तरह से किया जाए इस पर भी सभी ने अपनी अपनी राय रखी। बैठक में तालाब के कैचमेंट एरिया में लगने वाले मीट मार्केट का मसला भी उठा, जिस पर संज्ञान लेने के साथ कलेक्टर ने मीट मार्केट को सख्ती से यहाँ से हटाने के निर्देश भी SDM शिवानी गर्ग को दिए। हालांकि पूर्व में भी तालाब को बचाने की कवायदें की जा चुकी हैं, लेकिन कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने जिस तरह से तालाब के संरक्षण में रुचि दिखाई है उससे ये देखना अब दिलचस्प होगा कि वास्तव में यह तालाब सही मायनों में मूर्त रूप लेगा या नहीं। इसके अलावा एक पूरा कंसेंसस बन जाता है मतलब रास्ते पैसे के खुल गए हैं, तो मुझे लगता है जब शुरुआत में मुझे बहुत चिंता ये लग रही थी कि हमने ये तय किया था कि हम पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे किसी से नगद, तो उसमें थोड़ी सी चिंता लग रही थी।